चाइना ने अपनी एक वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। वैक्सीन किस पे लगेगी वो भी बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे ICMR के एक नए अच्छे स्टेप के बारे में, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कौन सी नई US की वैक्सीन अब इंडिया में बनने वाली है और उसे बनाने वाला कौन है। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। दोस्तों यहाँ पे चाइना ने अपनी वैक्सीन जो है कैंसिनो बायोलॉजिकल की, उसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। वो लगेगी जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे है, जैसे कि ओल्ड एज पीपल, जिसे कोई मेजर डिजीज़ हो, कैंसर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, उन पे ये वैक्सीन लगेगी और उसे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। ये अच्छा स्टेप है, मुझे लगता है कि इंडिया को ये चीज़ तो ज़रूर से करनी ही चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि रशिया के जैसे फेज टू के बाद वैक्सीन को लॉन्च कर दो, लेकिन एटलीस्ट उसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दो उन लोगों के लिए जो सबसे हाई रिस्क पे है, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो उनकी एज ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उनमें डेथ रेट सबसे ज़्यादा आ रहा है आज के टाइम पे। तो ये स्टेप ज़रूर से लेना चाहिए। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। अब हम बात करते हैं ICMR के एक नए अच्छे स्टेप के बारे में। दोस्तों एक वीक के अंदर ICMR एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें वैक्सीन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे, ऑफिशियल अपडेट्स वहाँ पे पब्लिश किए जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है कि मैं भी और सटीक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँगा। लास्ट में अब हम बात करेंगे कौन सी नई US की वैक्सीन जो है वो इंडिया में बनने वाली है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो SII है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे बेस्ड कंपनी, वो दो कंपनीज की वैक्सीन बनाने वाली, एक ऑक्सफोर्ड, दूसरी नोवावैक्स जो US की कंपनी है। उसके अलावा हमारे पास खुद की दो वैक्सीन है। उसके अलावा बायोलॉजिकल ई ने ऑलरेडी एक टाइप किया था, ह्यूस्टन बेस्ड एक वैक्सीन है उसको, और उसने एक और कंपनी के साथ टाइप किया है जो है जॉनसन एंड जॉनसन, जिसकी वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड जो फेज 3 के ट्रायल्स 60,000 पार्टिसिपेंट्स पे करने वाली है, जो बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा ट्रायल किसी ने नहीं किया है। ऑक्सफोर्ड ने 40,000 पे किया है, मॉडर्न एंड फाइजर एंड बायोटेक ने 30,000 पे किया, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन अपने फेज 3 के ट्रायल 60,000 पार्टिसिपेंट्स पे करने वाला है। यहाँ पे बायोलॉजिकल ई हैदराबाद बेस्ड कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इंडिया में बनाएगी। अप्रॉक्सीमेटली ये वैक्सीन इंडियन मार्केट में जो है 2021 के मिड में आ सकती है, लेकिन एक अच्छी बात है, जब वैक्सीन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा तो ये एक वैक्सीन भी उसमें ऐड हो जाएगी। आशा रखता हूँ आज का अपडेट जो है वो आपको पसंद आया होगा। आया है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।